And I'm again with a new topic, new session of Mendelian disorders. इससे पहले वाले के अंदर पढ़ चुके हैं अपन वीडियो के अंदर कि genetical order disorders किसको कहते हैं, genetical order disorders को हम यदि एक graphical और chart form में represent करें तो उसका pedigree analysis बोला जाता है. Let's have today's topic, pedigree disorders, Mendelian disorders. Mendelian disorders क्या है? Types of genetical disorders caused by the change or alteration in the single gene or to the abnormalities in the genome. Genome, total number of genetical material called genome. Genome का एक particular जो unit होता है that's called gene. Gene में किसी भी तरह का sudden change हो जो body के अंदर है वो dysfunction, ability create कर दे, मेल फंक्शन और क्रिएट कर दे, अबनॉर्मलिटी क्रिएट कर दे, सच काइंड ऑफ द कंडीशन कॉल्ड जेनेटिकल डिसऑर्डर. और जेनेटिकल डिसऑर्डर यदि पर्टिकुलर जीन्स के अकॉर्डिंग हो रहा है तो मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग इनका इनहेरिटेंस होगा. तो इसलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोला गया क्योंकि इनका जो इनहेरिटेंस है वो अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन लॉज है. राइट. नेक्स्ट दो एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन. टू एग्जाम्पल्स वी कैन टेक हियर. ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है वो बेसिकली किसके थ्रू जाती है? ये जाती है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के थ्रू. ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के थ्रू बेसिकली इस तरह की डिजीज है वो फीमेल के अंदर दो कंडीशन क्रिएट कर सकती है. यहाँ पर फीमेल में पर्टिकुलर या मेल के अंदर पर्टिकुलर, मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है. मेल और फीमेल के अंदर ये कंडीशन आ सकती है कि या तो ये अफेक्टेड हो या फिर ये कैरियर हूं. ये वाली सिचुएशन किसको शो कर रही है? ये वाली सिचुएशन शो कर रही है यहां पर ये वाली सिचुएशन शो कर रही है हेटरोजाइगस. और हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर यदि पर्टिकुलर जीन का ACLL मौजूद है तो ऐसी पोजीशन के अंदर ये ट्रैट यहां पर डोमिनेंट नहीं होगा. सच मेल और फीमेल विल बी ट्रीटेड एज कैरियर, कैरियर की तरह यूज किया जाएगा. बट यदि दोनों ही एलील्स एक साथ हो किसी भी पर्टिकुलर लिविंग बॉडी के अंदर मेल और फीमेल में तो इस तरह की कंडीशन अफेक्टेड होगी. तो ऐसी पोजीशन के अंदर यदि मैं कहूँ कि हीमोफीलिया, बेसिकली हीमोफीलिया नहीं, ये सारी की सारी डिजीजेज जिनके एग्जांपल्स हैं PKU, फिनाइल किटिन्यूरिया. फिनाइल किटिन्यूरिया एक तरह का डिजीज है जिसके अंदर बॉडी के अंदर एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है फिनाइल एलेनिन का, और फिनाइल एलेनिन है वो धीरे धीरे बॉडी में जमना चालू हो जाता है जिससे मेंटल रिटार्डेशन जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है. एक एंजाइम के डिसफंक्शनिंग या एंजाइम के एब्सेंसी की वजह से, लैकिंग ऑफ एंजाइम, ये पर्टिकुलर इसकी वजह से होता है. सिस्टिक फाइब्रोसिस. सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज अफेक्ट द सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस इन लंग्स, म्यूकस इन डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल, इन सब के अंदर लंग्स के अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जिनका अफेक्ट एक पर्टिकुलर डिजीज की वजह से वो म्यूकस बनाना बंद कर देती है, उनका म्यूकस के फॉर्मेशन की कंडीशन थोड़ी सी अफेक्टेड हो जाती है. दैट कॉल ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. यानी कि इन डिजीजेस के जो भी ट्रैक्ट होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स के साथ में इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि वो क्रोमोजोम्स सेक्स डिटर्मिनेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे. दैट कॉल SCA, सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन में दो अलग अलग लीड्स होती हैं जिनको हम अल्फा और बीटा ग्लोब्यून चेन्स कहते हैं. अल्फा और बीटा ग्लोब्यून चेन्स के अंदर पर्टिकुलर किसी तरह का पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से इस तरह का डिजीज बेसिकली देखा जा सकता है. सच काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन विल नोट इन अ वर्किंग फॉर्म. होगा तो सही पर वर्किंग फॉर्म में नहीं होगा. एल्बिनिज्म स्किन रिलेटेड है. एंड थैलेसीमिया. थैलेसीमिया डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन. दीज ऑल डिजीज आर इनहेरिटेड अलॉन्ग विथ ऑटोसोमल क्रोमोजोम. दैट्स वाई ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कहते हैं. रिसेसिव डिजीज के अंदर दो कंडीशन होगी, या तो वो अफेक्टेड है या फिर वो कैरियर है. एलोसोमल रिसेसिव डिजीज. दीज डिजीज इनहेरिटेड एंड द ट्रैक्स और जीन्स, जीन्स रिलेटेड टू दीज डिजीज ट्रैक्स आर इनहेरिटेड अलॉन्ग विथ सेक्स क्रोमोजोम, अलॉन्ग विथ एलोसोम. तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एलोसोमल रिसेसिव डिजीज. एलोसोमल रिसेसिव डिजीज की पोजीशन यदि हम देखें, एग्जाम्पल देखें अपन, यहां पर दो आ गए, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. हीमोफीलिया का जो भी जीन होता है
वो जीन एक्स क्रोमोजोम के साथ में कैरी किया जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, एक्स क्रोमोजोम के। इसी हिसाब से मेल और फीमेल दोनों में एक्स क्रोमोजोम है, मेल के अंदर ये जीनोटाइप है और फीमेल के अंदर ये जीनोटाइप है। इस हिसाब से कंडीशन कितनी हो गई, कंडीशन यहां पर एक्स क्रोमोजोम पर जो पर्टिकुलर जीन है हीमोफीलिया कलर ब्लाइंड का वो कैसे हो सकता है। यहां पर तो मेल में एक ही पोजीशन है, इस पोजीशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अफेक्टेड, इसे हीमोफिलिक और कलर ब्लाइंडनेस वाला मेल कहेंगे। बट फीमेल के अंदर या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन दूसरी वाली होगी, क्योंकि दो एक्स क्रोमोजोम है, दोनों एक्स क्रोमोजोम से होगा तो ऐसी पोजीशन के अंदर ऐसी फीमेल अफेक्टेड हो जाएगी, अफेक्टेड, अफेक्टेड फ्रॉम हीमोफीलिया, अफेक्टेड फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, राइट। ऐसी कंडीशन के अंदर यदि हो रहा है, यदि हम हीमोफीलिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो HH यूज करोगे, और यदि हम कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज कर रहे हो तो सी वर्ड यूज करेंगे, तो सी बिलोंगिंग, सी इज द जीन बिलोंगिंग टू द कलर ब्लाइंडनेस ट्रैक्ट, एंड H इज द जीन विच कैरीज बाय ऑटोसोमल एक्स क्रोमोजोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोफिलिक ट्रैक्ट, हीमोफिलिक ट्रैक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ देखें इसी के साथ में एक्स के साथ में जाने वाला कलर ब्लाइंडनेस वाला क्रोमोजोम है, ट्रैक है, सॉरी जीन है, इस तरह की कंडीशन आएगी। मेल के अंदर जो एक एक्स क्रोमोजोम है इसलिए इसके ऊपर एक ही जीन हो सकता है, अदरवाइज ये नॉर्मल होगा या फिर ये अफेक्टेड होगा, तो ये अफेक्टेड मेल हो गया। फीमेल के अंदर दो चांस है, 50% ये पोजीशन जिसको हम कह सकते हैं हेटरोजाइगस रिसेसिव, हेटरोजाइगस रिसेसिव में आ जाएगा ये कैरियर, फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, नॉर्मल सी देखेगी पर कैरियर होगी, अगली जनरेशन में ये शो करेगी, या फिर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन इस कलर ब्लाइंडनेस के ट्रैक का हो तो इस पोजीशन के अंदर उसको हम कहेंगे अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल। इस तरह की पोजीशन जहां पर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज की बात करें तो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के डिजीज के अंदर यहां पर फीमेल के अंदर 50-50% चांसेस हैं, जबकि मेल के अंदर या तो 100% होगा या 0% होगा। 100% उस कंडीशन में जब एक एक्स क्रोमोसोम पर ये हीमोफिलिक जीन और या फिर ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन मौजूद हो तो इस पोजीशन में 100% वो फीमेल, वो मेल है, वो अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड फ्रॉम हीमोफीलिया, अफेक्टेड फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस डिजीज। इसी तरह से यहाँ पे भी है, इस कलर ब्लाइंडनेस में भी, कलर ब्लाइंडनेस में भी 50-50% चांसेस है। तो फीमेल के अंदर हिटरोजाइगस पोजीशन कैरियर को इंडिकेट करती है और होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म है वो अफेक्टेड को कैरी करती है। इस तरह से ये सारा एक तरह से पैटर्न चलता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का। अब हम वन बाय वन एक एक डिजीज लेंगे, उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है और उनका पेडिग्री कैसे एनालिसिस किया जा सकता है। दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ट्रांस द जीन ऑफ हीमोफीलिया linked with X sex chromosome and inherited generation to generation via this X chromosome according to criss-cross inheritance. One by one taking the points, this formation of protein which is responsible for the blood clotting is affected, that create a non-stop bleeding. एक स्पेसिफिक प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लोटिंग मेथड इन केस ऑफ इंजरी, इन केस ऑफ कटिंग ऑफ एनी टिश्यू वी कैन सी द ब्लीडिंग इन अवर बॉडी। द पर्टिकुलर प्रोसेस बाय विच द ब्लीडिंग स्टॉप बिकॉज ऑफ ब्लड क्लोटिंग, दैट ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, बट बिकॉज ऑफ हीमोफीलिया डिजीज this protein and their proteins will be dysfunctioned. So disformation of protein is responsible for the hemophilia, that because of the gene. A gene is
एच जीन, एंड एंटी जीन इज लिंक्ड विद एक्स क्रोमोजोम। एक्स एलोसोमल क्रोमोजोम इज अ सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोजोम, और ये ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू द एवरी नेक्स्ट जनरेशन। कुछ जीनोटाइप्स हैं, देखें अपन, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर इस तरह की कंडीशन आती है, तो इस तरह की कंडीशन को हम नॉर्मल कैरियर कहते हैं, जिसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है, हीमोफिलिक जीन है। इस तरह की फीमेल नॉर्मल कैरियर होंगी, बट ये जो जीनोटाइप है वो हो गया यहां पर हेटरोजाइगस रिसेसिव, हेटरोजाइगस रिसेसिव। ये दो बॉक्स एक्स क्रोमोसोम पोजेस एच हीमोफिलिक जीन दैट सच फीमेल विल बी अफेक्टेड फ्रॉम द हीमोफीलिया। हीमोफिलिक फीमेल कहेंगे, ऐसी पोजिशन के अंदर वो आ जाएगा होमो जाइगस डोमिनेंट फीमेल। एक्सेप्ट नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल फीमेल होगी, बट इन अ मेल, मेल पॉजेज ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, दैट इज ओनली अ चांस, दैट इज द ओनली अ केस दैट एक्स क्रोमोजोम लेके जाए एच जीन को या फिर नहीं लेके जाए। यदि मौजूद है तो अफेक्टेड हीमोफीलिया हो गया, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं यहां पर सेमी जाइगस, सेमी जाइगस डोमिनेंट कंडीशन। तो ऐसी मेल के अंदर तो 50-50% चांसेस हैं, बट फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर तो 50% चांसेस, बिकॉज यहाँ पर दो एक्स क्रोमोसोम पर, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर एक पर हो तो वो कैरियर होता है, दोनों पे हो तो अफेक्टेड हो गया, 50-50% चांसेस। बट इन केस ऑफ मेल, ओनली मेल हैव ओनली वन वन एक्स क्रोमोसोम, तो या तो वो अफेक्टेड होगा या फिर नॉर्मल होगा, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट देखिए अपन यहाँ पर, व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इन दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस दिस जीन एच, एच जीन इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, कैसे, फादर से डॉटर में, डॉटर फर्स्ट जनरेशन में आ गई, डॉटर से इस डॉटर के सन में, ये सेकेंड जनरेशन आ गई, अभी सन के डॉटर में, इस तरह की एफ थ्री जनरेशन आ गई। तो हर बार नेक्स्ट वाली जनरेशन में जेंडर जस्ट अल्टरनेट फॉर्म में आ गया, मेल फीमेल, यहां पर मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल पैरेंटल जनरेशन हो गई यहां पर, दिस इज पैरेंटल जनरेशन, दिस इज पैरेंटल जनरेशन, दिस इज एफ वन एफ टू एफ थ्री, इसके अंदर मेल आ गया, देन फीमेल, वापस मेल फीमेल, इस तरह का जो फॉर्म आ रहा है। पीडिग्री एनालिसिस का एक शॉर्ट फॉर्म यहां पर ले लेते हैं, पीडिग्री ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी देखते हैं अपन। पीडिग्री हीमोफीलिया, पीडिग्री हीमोफीलिया के अंदर अपन ले अपन कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल, इस वाली कंडीशन को लेते हैं, कैरियर ना लेकर के हम लेते हैं यहां पर नॉर्मल, नॉर्मल मेल एज इट इज, और इधर ले लेते हैं अपन कैरियर फीमेल। जीनोटाइप देखा जाए तो जीनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल मेल के अंदर ये जीनोटाइप, दिस वन विद द जीनोटाइप, जीनोटाइप ऑफ द कैरियर फीमेल, दिस इज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम कैरिंग एच जीन, हीमोफिलिक जीन, गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे इस तरह से, यहाँ दो गैमेट्स बनाएंगे, और ये आ गया आपका पोनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप मेल गैमेट्स रखेंगे, यहाँ पर फीमेल गैमेट्स रखेंगे, ये कंडीशन आ गई आपकी कैरियर फीमेल, ये आ गया अफेक्टेड मेल, नॉर्मल हेल्दी फीमेल चाइल्ड एंड नॉर्मल हेल्दी मेल चाइल्ड, इस तरह का पीडिग्री एनालिसिस के अंदर आएगा। तो पीडिग्री के अकॉर्डिंग इसको हम मैच करें तो किस तरह से करें, नॉर्मल मेल ये कंडीशन है, तो नॉर्मल मेल को हम इंडिकेट इस तरह से करेंगे,
कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल को हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे, दोनों का मैटिंग करवाई जा रही है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर कितने ऑफस्प्रिंग्स मिल रही हैं आपको? चार ऑफस्प्रिंग्स मिल रही हैं। चार ऑफस्प्रिंग्स का सिंबल्स कैसे शो करें अपन? इस तरह से करें, इसके सिंबल्स को शो करें तो कैसे शो करें? कैरियर, इसको कैसे शो करें अपन? अफेक्टेड मेल, इसको कैसे शो करें? नॉर्मल फीमेल, और इसको कैसे शो करें? नॉर्मल मेल। ठीक है, दिस इज द पेडिग्री ऑफ द हीमोफीलिया। द पेडिग्री, फैमिली पेडिग्री ऑफ विक्टोरिया फैमिली, द फैमिली पेडिग्री ऑफ विक्टोरिया शोज अ नंबर, न्यूमरस नंबर्स ऑफ हीमोफीलिया। विक्टोरिया फैमिली का जो पेडिग्री, फैमिली पेडिग्री है, उसके अंदर कई आप हीमोफीलिक पेशेंट्स दे सकते हैं। दैट्स व्हाई हीमोफीलिया आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया, दिस इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रैट। जैसा कि अपन ने देखा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में सेक्स लिंक्ड है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के साथ में वो इनहेरिटेड हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है, ये ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रैक्स है। रिसेसिव इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि बेसिकली इसमें दो कंडीशन आएगी, या तो कैरियर या फिर अफेक्टेड, इस तरह की फॉर्म आएगी। यानी कि इस तरह की डिजीज को अफेक्टेड होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन चाहिए, हेटरोजाइगस कंडीशन कैरियर होगी। और दूसरी बात, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इस तरह का डिजीज आने के लिए कंडीशन है कि इनमें से दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या होने चाहिए? कैरियर होने चाहिए जीन्स के, तब जाकर के ऐसा पोजीशन होगी। तो हेटरोजाइगस कंडीशन कैरियर होती है। नाउ ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रैक, लैक ऑफ O2 क्रिएट दिस शेप इन आरबीसी सेल, सिकल शेप। दैट्स व्हाई आरबीसी इस तरह की, हीमोग्लोबिन इस तरह का फंक्शनली एनीमिया हो गया, एनीमिक हो गया। बेसिकली एनीमिया कहते हैं लैकिंग ऑफ ब्लड, बट यहाँ पर आरबीसी का शेप श्रिंक हो जाने की वजह से, उसको डेवलपमेंट के दौरान उसको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो श्रिंक हो गया, और सिकल सेल हो जाने की वजह से वो आरबीसी है, बावजूद इसके फंक्शनली परफॉर्म नहीं करेंगे। कॉजेस, कोज क्या है यहाँ पर? न्यूट्रिशन के दौरान सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटेमिक एसिड बाय वैलीन अमीनो एसिड। ये ग्लूटेमिक अमीनो एसिड की जगह पर वैलीन अमीनो एसिड आ जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटेमिक एसिड बाय वैलीन अमीनो एसिड एट द सिक्स पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, अल्फा ग्लोबिन चेन एंड बीटा ग्लोबिन चेन। बीटा ग्लोबिन चेन की सिक्स नंबर पोजिशन पे ये होता है और ये आ जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलने पर आरबीसी है वो श्रिंक हो जाती है, सिकल सेल हो जाने की वजह से। इस डिजीज को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल मींस सेल कौन सी? आरबीसी। सिकल का मतलब शेप, एनीमिया का मतलब फंक्शनली आरबीसी की यहाँ कमी हो गई, जो आप प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएगी। जीन ऑफ SCA, जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया ट्रांसमिटेड जीन जनरेशन टू द जनरेशन वाई ऑटोसोम 11th नंबर। 11th नंबर का ऑटोसोम है वो इस जीन को कैरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में एक ही कंडीशन में जाएगी यदि पेरेंट्स कैसे हों? कैरियर हो। इस हिसाब से इसका जीन है उसको इंडिकेट किया जाता है HBC से, और इसके दो एलील्स होते हैं, टू एलील्स रहते हैं, HBA एंड HBS। नाउ द पैटर्न, पैटर्न ऑफ द जीनोटाइप। यदि हीमोग्लोबिन, बेसिकली यहां पर एलील्स, यहां पर हीमोग्लोबिन के दोनों एलील्स ए ए हैं, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म आ जाएगी। होमोजाइगस रिसेसिव के अलावा दूसरी फॉर्म में यदि एक हेटरोजाइगस रिसेसिव फॉर्म आ गया तो वो कैरियर हो जाएगा, एक ही एस जीन यहाँ पर मौजूद है। दूसरा, यदि दोनों के दोनों जीन एस एस मौजूद है, यानी कि सिकल सेल एनेमिक दोनों के हैं, तो यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म आ जाएगी। ये होमोजाइगस डोमिनेंट उस इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगी और वो होमोजाइगस इंडिविजुअल होगा, वाट एवर दे आर मेल, वाट एवर दे आर फीमेल। बिकॉज दिस जीन, दिस ट्रांसमिशन ऑफ दिस जीन डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन
क्रोमोजोम, ये डिपेंड करता है 11th नंबर के ऑटोजोम पर। ऑटोजोम वो क्रोमोजोम्स होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं। अब हम देखें यहाँ पर मेल और फीमेल के अंदर एक इनहेरिटेंस देखते हैं। यहाँ पर ये मेल पेरेंट यानी फादर, ये फीमेल, ये कैरियर है हेटरोजाइगस रिसेसिव, दिस इज आल्सो हेटरोजाइगस रिसेसिव। हेटरोजाइगस है तो सेग्रीगेशन होगा, गैमेट्स परफॉर्म हो रहे हैं। ऐसे होने से चेकरबोर्ड की हेल्प से ये अपन देखें, यहाँ पर मेल गैमेट्स को टॉप रो में रखा जाता है, तो मेल गैमेट्स टॉप रो में आ जाएंगे। और फीमेल गैमेट्स को साइड कॉलम में रखा जाता है, दिस इज कॉल्ड साइड कॉलम। कॉन्फिगरेशन आ जाएगा यहाँ पर HBA HBA, नॉर्मल HBA HBS, कैरियर 50%। एक बार देख लिया अपन HBS HBA, कैरियर HBS HBS, सफरिंग फ्रॉम SCA, सिकल सेल एनीमिया। यदि मैं फिनोटाइप की बात करूं यहाँ पर, तो फिनोटाइप के अंदर देखें अपन, तो ओनली 1% आउट ऑफ 4 यानी 25% एनेमिक होगी, एनेमिक। 50% कैरियर होंगी, 25% विल नॉर्मल, ये नॉर्मल आएगी। तो एक तरह से ये एक तरह का रिजल्ट आ गया इसके अंदर। तो इस तरह से है, यदि किसी भी पेडिग्री एनालिसिस में इस तरह का इनहेरिटेंस जो जेंडर स्पेसिफिक ना हो, मेल और फीमेल पेरेंट्स पेरेंट्स के अंदर वो जीन नजर नहीं आ रहा हो और सडन वो F1 जनरेशन में नजर आ जाए, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव लिंक्ड ट्रैक, और ट्रैक के अंदर आपका सिकल सेल एनीमिया एक बेस्ट एग्जाम्पल। कलर ब्लाइंडनेस, दिस इज एलोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रैक डिफेक्ट इन रेड और ग्रीन कॉन्स ऑफ आईज। आईज में जो कॉन्स होती है वो रेड और ग्रीन को डिस्क्रिमिनेट करती है, डिफ्रेंशिएट करती है। जैसे रेड और ग्रीन दोनों प्राइमरी कलर्स हैं, दोनों को डिफरेंस होने की कंडीशन में हमें कलर कॉन्शियस होता है, यानी कि कलर का हमें नॉलेज होता है बेसिकली। तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेड एंड ग्रीन द रीजन ऑफ द क्रिएट डिसबैलेंस, दिस डिसबैलेंस कॉल कलर ब्लाइंडनेस। दिस डिसबैलेंस बिकॉज ऑफ विच जीन एंड विच क्रोमोजोम रेस्पॉन्सिबल टू कैरी जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज जीन ऑफ दिस ट्रैक, सी जीन बोलते हैं इसके ट्रैक के कैरी करने वाले को, ट्रांसमिट बाय एक्स क्रोमोजोम। एक्स इज अ सेक्स क्रोमोजोम, दैट्स वाई कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिकल डिजीज और ट्रैक, राइट। एक्स क्रोमोजोम पर होने की वजह से 80% मेल के अंदर चांसेस होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर बहुत रेयर पोजिशन है, 0.4% फीमेल के अंदर होती है। क्या रीजन है? बिकॉज मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोजोम, ए सिंगल एक्स क्रोमोजोम, बट फीमेल है टू सेक्स क्रोमोजोम, टू एक्स क्रोमोजोम। टू एक्स क्रोमोजोम में कंडीशन है वो 0.4 कंडीशन के अंदर परसेंटेज में आती है। इफ ओनली वन एक्स क्रोमोजोम आउट ऑफ टू एक्स क्रोमोजोम हैविंग ओनली वन कलर ब्लाइंडनेस जीन, दैट विल बी द कंडीशन कैरियर फीमेल। बोथ एक्स क्रोमोजोम पोजेस दिस जीन दैट अफेक्टेड फीमेल, और दिस विल बी द 50-50% चांसेस ऑफ द अफेक्टिंग टू द जेंडर फीमेल।
बट इन अ मेल कंडीशन ओनली अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम हैविंग अ दिस सी जीन दिस कलर ब्लाइंडनेस जीन एक्स पे एक पे भी होगा तो वो अफेक्टेड हो जाएगा, तो 100% चांसेस हो गया। अगेन हीमोफीलिया की तरह यदि क्रिस क्रॉस पैटर्न पर वर्क करता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न पर मतलब एक जनरेशन में यदि मेल में है तो दूसरी जनरेशन में वो फीमेल में होगा, फीमेल से जाने के बाद वो मेल में होगा, इस तरह से इनहेरिटेड होता है। यदि मैं देखूं कि पेरेंटल पेरेंटल जनरेशन है, ये पेरेंटल जनरेशन से एफ वन जनरेशन, एफ टू जनरेशन और एफ थ्री जनरेशन, तो यहाँ फादर मेल है, डॉटर, फिर डॉटर सन और सन डॉटर, इस तरह का जो कॉन्फिग्रेशन दैट कॉल क्रिस क्रॉस पैटर्न। इस क्रिस क्रॉस पैटर्न के अंदर कलर ब्लाइंडनेस को इंडिकेट करें, अपन उसके इनहेरिटेंस को इंडिकेट करें, तो कैसे इंडिकेट करें? कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल जीनोटाइप विल बी हियर एक्स सी एक्स एक्स वाई। अभी अपन ने कहा है कि फादर मेल है तो अगली जनरेशन के अंदर डॉटर में जाएगा यानी फीमेल में जाएगा, यहां पर अपन ने किस में लिया है ये फीमेल में, तो नेक्स्ट वाली एफ एन जनरेशन में किस में जाएगा मेल में, कैसे जाएगा? ये गैमेट बने, गैमेट फॉर्मेशन, क्रिस क्रॉस मेथड से हम इसका क्रॉस करवा देंगे, गैमेट फ्यूजन हो जाएगा, ये साइड हो गई आपके मेल गैमेट्स के लिए और दिस साइड विल बी फॉर फीमेल गैमेट्स। ये कंडीशन कैरियर फीमेल, अफेक्टेड मेल, नॉर्मल फीमेल एंड नॉर्मल मेल, तो ये ओनली 25% चांसेस ऑफ अफेक्टेड मेल। यहां पर ये जीन किस में था? फीमेल में। एवन जनरेशन में किस में आ गया? मेल के अंदर, मेल में आ गया। तो इस तरह से ये फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, इस तरह से यदि मेल में आ रहा है, मेल यदि यहाँ पर अफेक्टेड होता उस कंडीशन में क्या होता देखते हैं। उस कंडीशन में सपोज कीजिए आप यहाँ पर नॉर्मल फीमेल है और यहां पर अफेक्टेड मेल है, इस कंडीशन में जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप होगा ये, और जीनोटाइप यहां पर हो जाएगा ये, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनेंगे सेग्रीगेशन की वजह से, यहाँ की टाइप के गैमेट्स बनेंगे, दोनों सेम टाइप के गैमेट्स होंगे। पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग यदि इनका फ्यूजन करवाया जाए, दिस साइड विल बी फॉर मेल गैमेट, दिस साइड फॉर फीमेल गैमेट, कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल। यहाँ पर देखिए जो जीन है वो किस पर मौजूद है, ये जीन है वो मेल में मौजूद है, तो इसका ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा है अपन जनरेशन में? इसका ट्रांसमिशन हो रहा है किसमें, ट्रांसफर हो रहा है किसमें? फीमेल में हो रहा है, तो ये फीमेल में आ गया, दैट्स कॉल्ड क्रिस क्रॉस पैटर्न। फिनाइल सिस्टीन्यूरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रैक्स फॉर एंजाइम, 12th नंबर ऑटोसोम क्रोमोसोम पे इसके जीन्स है वो कैरी किए जाते हैं फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एरर इन मेटाबॉलिज्म, लैक ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ऑटोसोमल रिसेसिव क्रोमोसोम 12th नंबर पर किसी तरह का डिलीशन और म्यूटेशन होने से मेटाबॉलिज्म में एरर क्रिएट करती है, बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म एरर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का बनना बंद हो जाता है या फिर लैकिंग हो जाती है, कमी हो जाती है। ये एंजाइम क्या करता है? दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड इंटू टायरोसिन अमीनो एसिड, दिस इज वेरी हेल्दी पोजिशन, दिस इज वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, बट इन एबसेंस ऑफ दिस एंजाइम, बट इन एबसेंस ऑफ दिस एंजाइम दिस फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड विल कन्वर्ट इंटू फिनाइल पायरिविक एसिड, एंड ड्यू टू द एकोमोलेशन ऑफ दिस एसिड इन अ ब्लड, ड्यू टू द एकोमोलेशन ऑफ दिस एसिड इन अवर ब्रेन, दैट
रीजन दैट क्रिएट अ रीजन ऑफ द ब्रेन रिटार्डेशन, ब्रेन रिटार्डेशन वाली पोजिशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है थैलेसमिया, 16th नंबर ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ में इस ट्रैट और जीन्स को कैरी किया जाता है फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रैट हुआ फॉर द ब्लड, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इफ ओनली अ कंडीशन इफ बोथ पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। यदि दोनों पार्टनर्स अनअफेक्टेड कैरियर है तो उस कंडीशन में ही इस जीन का थैलेसीमिया ट्रैट के जीन का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है। दिस इज द कंडीशन कॉल हेट्रोजाइगस कैरियर, जो हेट्रोजाइगस कैरियर कंडीशन में ही ये ट्रांसमिशन होगा। डिफेक्ट इन ब्लड ड्यू टू दिस थैलेसीमिया जेनेटिकल डिसऑर्डर डिफेक्ट विल बी क्रिएटेड इन अ ब्लड एब्सोल्युटली इन अ हीमोग्लोबिन दैट विल बी द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, फंक्शनल हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, दैट विल बी द अनादर रीजन ऑफ द फंक्शनल एनीमिया। फंक्शनल एनीमिया यानी हीमोफिल हीमोग्लोबिन तो होगा बट वो फंक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। इस तरह से इन दिस सेशन वी हैव कंप्लीटेड द जेनेटिकल डिसऑर्डर्स फर्स्ट पोर्शन मेंडेलियन डिसऑर्डर द डिजीज विच ट्रांसमिशन अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ अकॉर्डिंग टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट जितने भी रिजल्ट आए उनके अकॉर्डिंग होता है दैट कॉल मेंडेलियन डिसऑर्डर। इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन होगा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन द डिपेंड्स ऑन द न्यू टॉपिक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। टिल टेक केयर, कीप योर रिवीजन रेगुलरली। थैंक यू।